आज का जो वीडियो है बेसिकली मैं इसलिए बनाना चाह रहा था क्योंकि बहुत टाइम से सोच रहा था इसको बनाने का, पर मौका ही नहीं मिला, पर सोचा आज बना ही दूं, वरना कभी मौका नहीं मिलेगा। बेसिकली दिस वीडियो इज ऑल अबाउट कि जो आप देखते रहते हैं अक्सर अखबारों में भी, न्यूज़ में भी, और फेसबुक पे और मीडिया, सोशल मीडिया साइट से बहुत चलता रहता है कि सुपर बाइक्स आर यू नो द डेंजरस सुपर बाइक्स, द किलिंग मशीन्स, और सुपर बाइक्स इंडिया की रोड्स के लिए नहीं बनी है, बैन देम एंड ऑल दोज नेगेटिव प्रोपेगेंडा रिगार्डिंग द सुपर बाइक्स। बेसिकली मैं वही सोच रहा था काफ़ी टाइम से कि मतलब ऐसा क्यों है, यू नो, मतलब मैं सोचता था कि मतलब ऐसा क्यों है कि मतलब सुपर बाइक्स को लेकर इतनी नेगेटिविटी मीडिया में, और क्यों है सोशल मीडिया को लेके। फिर मेरे को लगता है कि जब से मैंने खुद, मैंने एक तरीके से सुपर बाइक जब से मैंने खरीदी है और मैं उसको चलाता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैंने एक्सीडेंट्स और जो सब हादसे हुए हैं उनके बारे में जब मैंने देखा, पढ़ा और सोचा, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब भी आप देखोगे ना कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं कि वो 18 साल बच्चा पास हुआ, 18-19 साल का है, माँ बाप ने उसको सुपर बाइक दिला दी या सुपर कार दिला दी, गाड़ी ऐसी दिला दी फुल स्पीड जो मतलब खूब तेज चलती है, यू नो, फिर वो कहीं भिड़ गया और कहीं एक्सीडेंट हो गया, उसे स्पीड कंट्रोल नहीं हुई, यू नो, ऑल दोज टाइप ऑफ थिंग्स। अब वो बहुत रेयर कोई मिलेगा कि कोई बिजनेसमैन है जिसने खुद सुपर बाइक खरीदी और उसने कहीं एक्सीडेंट कर दिया हो। ज़्यादातर जो है उनके बेटों ने चला रहे हैं या उनके कोई मतलब छोटा कोई घर में है वो चला रहा है और एक्सीडेंट हो गया। तो जो रोड कंडीशंस है मैं उसको नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी हैं, रोड कंडीशंस तो यहाँ की महावाहियात है। मतलब कुछ रोड्स, कुछ हाईवेज अच्छे हैं जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ट्रैफिक अच्छा है, बट जनरली दे आर नॉट गुड फॉर द सुपर बाइक्स। बट वाई फॉर सुपर बाइक्स, दैट इज द पॉइंट कि सुपर बाइक्स लेके, ये थोड़ा कि सुपर बाइक्स जो ले ली तो उसको कहीं टकराना ही है, उसका कहीं एक्सीडेंट ही होना है क्योंकि वो सुपर बाइक है, नहीं ऐसा नहीं है। इट्स बिकॉज की जो ग्रोथ होती है ना, इट्स बिकॉज जो ग्रोथ होती है ना वो लीनियर नहीं है। कि मतलब कि जैसे अब आप लो एग्जाम्पल लो, आई से एन एग्जाम्पल कि जैसे मैं अपना ही लूँ कि सबसे पहले जब मैंने जो सबसे पहले स्टार्ट किया था चलाना वो लूना थी जो 50 cc थी, फिर मैंने हीरो पुक चलाई जो 65 cc थी, उसके बाद मैंने स्कूटर चलाया जो 150 cc था, उसके बाद फिर मैंने एवेंजर खरीदी जो 180 cc थी, उसके बाद फिर मैंने ZMR खरीदी जो 220 cc थी, और फिर मैंने फाइनली एक सुपर बाइक 650 cc खरीदी। अब उसमें क्या होता है कि जब आप धीरे धीरे चल रहे होते हैं ना ऊपर, तो आप जो रोड कंडीशंस हैं, जो ट्रैफिक है, उसको समझ भी रहे होते हो कि यहाँ का इंडिया का ट्रैफिक सेंस कैसा है, लोग कहाँ से आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं। मतलब एक इंडिया का जो ट्रैफिक है, मतलब जैसे आप अमेरिका जाओगे, आप यूके जाओगे, यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया कहीं भी, तो वहाँ का एक तरीका है ट्रैफिक चलने का। ओके, वो तरीका ये है कि रूल्स पूरे फॉलो करो, ये करो वो करो, पर अगर एक इंडियन वहाँ जाएगा तो उसको भी बड़ी परेशानी होगी। बिकॉज आई वेंट टू यूके एंड आई ड्रोव अ कार इन स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, और मेरे को हुआ थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ सब रूल्स हैं तो उस वजह से कोई दिक्कत है, इट्स जस्ट कि थोड़ा एडजस्टमेंट्स में इश्यूज होते हैं। पर यहाँ पे अब जैसे आप बोलोगे, जब आप वही जो मैं आपको कह रहा था, एडजस्टमेंट के इश्यूज होते हैं। अब यहाँ पे मैं जैसे वही कि अगर आप स्टार्टिंग से चला रहे हो, आपने साइकिल चलाई, फिर आपने धीरे धीरे ग्रेजुएट करा, तो आपने उस ट्रैफिक को समझा कि कहाँ पे कितनी तेजी से चलाना है, कहाँ पे ब्रेक मारने हैं, कैसे करना है, कौन कब आ सकता है। एक होती है चीज़ जो ट्रैफिक की एक सेंस होती है कि मतलब जब आप गाड़ी या स्कूटर चला रहे हो ना, तो एक ऑटोमेटिकली दिमाग अपने आप काम कर रहा होता है कि अच्छा कौन आ सकता है, कौन रुकेगा, कौन कहाँ से आ सकता है, कैसे निकालना है, चलता रहता है। अब सडनली आप आपने 12वीं पास करी और आपने अभी थोड़ी बहुत ही कुछ चलाया होगा और आपको सीधे एक सुपर बाइक दे दी, सो यू नो वो जो गैप है, दैट इज द प्रॉब्लम। अगर वो गैप नहीं हो, आप ग्रेजुअल इंक्रीज करो, तो शायद ऐसा फेटल एक्सीडेंट्स ना हो। पर मैं स्टिल ये नहीं कह रहा हूँ कि रोड बहुत अच्छी हैं और ये सब बहुत बढ़िया है, सुपर ट्रैफिक ट्रैफिक एकदम परफेक्ट है, पर ऐसा नहीं है। पर मैं कह रहा हूँ कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। अब आप सोचो कि कोई भी फॉर्मूला वन जो रेसर होते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम द गो कार्ट, पहले वो अपने गो कार्ट से स्टार्ट करते हैं जो आपकी छोटी गो कार्टिंग से, फिर अपना धीरे धीरे फॉर्मूला 3 में आते हैं, फिर फॉर्मूला 2 में आते हैं, फिर फॉर्मूला 1 में आते हैं, वो एक ग्रेजुअल इंक्रीज होता है। अब स्टार्टिंग में अगर आपको फॉर्मूला 1 दे दो तो यू नो वो कहीं ना कहीं घुस जाएगा, और वो जो फीलिंग आती है रेसिंग की, जो उसको एक फील चाहिए कि हाउ यू नो हाउ द रेसिंग इज डन, वो गो कार्ट से वो सीखते हुए ऊपर आता है, एंड दैट्स द वे इट वर्क्स। अब आप सडनली सारे बीच के फैक्टर्स निकाल दो और सीधे उसको टॉप पे बिठा दो, देयर इज अ प्रॉब्लम। यू नो इमेजिन अ पर्सन हु वांट्स टू क्लाइंब अ माउंटेन एंड यू से फर्स्ट टाइम कि भाई जा माउंट एवरेस्ट चढ़ जा, समझ रहे हो आप, सीधे माउंट एवरेस्ट चढ़ जा। मतलब आप वहां पे धीरे धीरे पहले एक हाइट पे चढ़ते हो, फिर दूसरे पे चढ़ते हो, फिर धीरे धीरे आप ऊपर जाके यू प्रिपेयर योरसेल्फ टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट। सो दैट्स द वे, एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया कि जो आपके सुपर बाइक से सुपर कार का जो आप देखोगे जनरली जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो बच्चे हैं, उनके माँ बाप उनको दे देते हैं और उनको भी रोड सेंस नहीं है। इमेजिन कि एक रेड लाइट है और दूसरी रेड लाइट है, उसके बीच में करीबन 600-700 meters का रास्ता है। अगर आप 100 cc 150-200 cc बाइक चला रहे हो, तो आप एक रेड लाइट से अगर दूसरी रेड लाइट जा रहे हो,
तो आप अगर 50 या 60 की स्पीड पहुंचोगे, मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन करोगे, तो 50 60 70 की स्पीड पे आओगे और फिर आपको ब्रेक मारना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द नेक्स्ट रेड लाइन। ये बाइक्स विद इन 2 सेकंड्स 100 पहुंच जाती है। तो आप लोकल में चला रहे हो तो आपने एक्सीलरेशन दिया एकदम से 100 पे पहुंच गए। अब 100 110 पे हैंडल करना है टाइट ट्रैफिक इज डिफिकल्ट। सो गाइस यही चीज मेरे को शेयर करनी थी। आई एम नॉट स्टिल सेइंग कि मैं इस चीज को बस इस तरीके से नहीं कह रहा हूँ कि भैया यहाँ का ट्रैफिक बहुत बढ़िया है, आप सुपर बाइक्स को ब्लेम मत करो, सुपर बाइक्स तो बहुत बढ़िया है यहाँ के लिए, ऐसा नहीं है। पर मैं कह रहा हूँ कि जो ये डेथ्स हो रही हैं और जो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं इज बिकॉज ऑफ दैट सडन, आप उनको एकदम टॉप ऑफ द ट्री में बिठा देते हो, आप उनको ग्रेजुअली वो ऊपर जाते। आपको बहुत मिलेंगे जो सुपर बाइकर्स हैं जो बहुत सुपर बाइक चलाते हैं, आपको नहीं हर कोई सुपर बाइक का एक्सीडेंट ही हो रहा है, हर कोई सुपर कार का एक्सीडेंट ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। जिन्होंने नीचे से स्टार्ट किया ना, दे अंडरस्टैंड द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन दैट मशीन, विद ग्रेट पावर यू नो कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। पर आप सीधे अगर टॉप पे बिठा दोगे तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई है ही नहीं, क्योंकि वो तो चीज कोई सीखी नहीं, किसी ने सिखाई नहीं, और सडनली आपने उसको दे दिया मतलब पावर, तो फिर आप समझ सकते हो क्या होगा। तो ये चीज मेरे को एक शेयर करनी थी आपसे गाइस, कि अगर आप भी कल सुपर बाइक या कोई भी चीज में टॉप पे जाना चाहते हो तो ग्रेजुअल उस पे जाओ। सडनली ऊपर जो जाते हैं ना उसमें थोड़ी सी फिर दिक्कतें आती हैं, मतलब हर चीज में कह सकते हो आप उसको रिलेट कर सकते हो, पर मैं अभी यहाँ पे सिर्फ टू व्हीलर्स में रिलेट करना चाह रहा हूँ। सो गाइस आई विल एंड ऑन दिस नोट कि आई एम नॉट सेइंग कि सुपर बाइक्स आर ग्रेट और सुपर बाइक्स आर बैड, इट्स जस्ट कि आप जो भी खरीद रहे हैं और आप अपना बस ट्रैफिक का जो सेंस है, ट्रैफिक जिस तरीके से इंडिया में चलता है, जो भी यहाँ के लोग हैं, जैसे भी कहीं से भी कोई भी घुसता है सबको पता ही है, तो बस अगर आप थोड़ा नीचे से स्टार्ट करोगे लोअर से और ऊपर जाओगे ना तो आपको वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी उस ट्रैफिक की, एंड यू विल बी मोर सेफ। एंड आई स्टिल डोंट बाय कि जो मैंने कहीं कहीं एक्सीडेंट सुने हैं कि 300 की स्पीड पे 250 की स्पीड से, आई एम नॉट सेइंग आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट इट। भाई इतनी स्पीड तो चाहे रोड कितने भी अच्छे हो कुछ भी हो मतलब नहीं चलानी चाहिए, मतलब इतनी, अगर आपको इतनी तेज चलानी है गो टू द रेस ट्रैक, आप रेस ट्रैक जाओ बुक कराओ, वहाँ पे जितनी तेज चलानी है चलाओ विद प्रॉपर गियर। सो ऑन द स्ट्रीट्स यू डोंट हैव टू ड्राइव दैट मच हाई स्पीड्स एंड दैट्स ऑलवेज रिस्की, चाहे कितना भी अच्छा ट्रैफिक हो कितना भी अच्छा हो, दोज आर रिस्की। सो आई एम नॉट एडवाइज कि यू ड्राइव एट दो स्पीड्स। पर हाँ जो प्रॉब्लम है वो 0 to 100 120 की स्पीड्स का जो एक्सेलरेशन है ना सडन, वो बहुत रिस्की होता है, कि आपको लगा कि हल्की सी जगह मिली आपने एक्सीलेटर दिया जाम 100 के एकदम से कोई आ गया और बाइक कंट्रोल नहीं हुई, यू नो धड़ाम, वो जो एक सडन स्पीड है ना ऊपर जाने का, फिर उसको कंट्रोल करना अगर कोई आ जाए जो मतलब कहीं भी आप ट्रैफिक में, मतलब शहर के ट्रैफिक में या हाईवे पे, दैट सडन अगर आप 100 110 पे चले जा रहे हो फिर यू हैंग ऑफ इट, यू नो आपको कंट्रोल में कि आपकी एक स्पीड है, आप बाइक की कंट्रोल में कोई आ रहा है। पर ये सब चीज़ें भी तभी हो सकती हैं कि जब आपने ना नीचे से ऊपर स्टार्ट किया। Take care, enjoy, do whatever you want to do. I just want to share this thought with you. Bye bye, take care, have fun.